नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। हम आपको हर जगह, हर विधानसभा का, वहाँ का क्या ग्राउंड के हालात हैं और वहाँ के क्या समस्या है उसके बारे में बता रहे हैं। फिलहाल हम पहुंचे हैं पानीपत शहर में। पानीपत सिटी में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के सामने है। बीजेपी के मौजूदा जो विधायक हैं प्रमोद, वही यहाँ से कैंडिडेट हैं, और कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र मुल्लेशा। मेरे साथ यहाँ पानीपत सिटी के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, बातचीत भी करेंगे। इलाके को किस चीज की दरकार है, क्या समस्या है, सरकारें क्योंकि आती जाती हैं, मुख्य क्या लोगों के यहाँ पे जरूरत है, तमाम चीजों पर बातचीत की जाएगी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। अगर पानीपत की बात करें सिटी की, तो चुनाव आ गया, क्या मुख्य मांग रहती है और क्या यहाँ की समस्या, क्या जरूरत रहती है? सबसे भारी समस्या सफाई, सड़कें। आप देख लो, जहाँ पे आप खड़े हो ये देखो क्या हालात है सड़क के। हर जगह आप किसी वार्ड में, किसी एरिया में जाकर देख लो, गंदगी और सड़क सबसे ज्यादा है। अस्पताल में चले जाओ तो दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिल रहे। आप जाके चेक कर लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा जी क्या हालात है सर। बेसिक, ये इनका कहना है बेसिक चीजें नहीं है, क्या हालात है? एक तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी से गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी बहुत परेशान है। एक तो बेरोजगारी बहुत है, और बेरोजगारी की वजह से बच्चे यहाँ से शहर छोड़ छोड़ के बाहर नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। कोई डंकी रूट से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, और वहाँ पे गधों की तरह बेचारे पड़े हुए हैं। और इंडस्ट्री वगैरह लगी नहीं? नहीं है इंडस्ट्री, कोई नहीं लगी। करप्शन बहुत है, डबल इंजन की सरकार चल रही थी। हैं जी, डबल इंजन की सरकार चल रही, तभी तो करप्शन ज्यादा हो गई है। कहते पर्ची खर्ची बंद होगी, सरकार कहते पर्ची खर्ची कुछ बंद नहीं हुई है, सब चल रही है, ऐसी ही चल रही है। पर्ची खर्ची बंद हुई भाई साहब? कोई पर्ची नहीं बंद हुई, कोई खर्ची नहीं बंद हुई। पहले 1% कमीशन लेता था तहसीलदार, अब 3% लेता है। डबल इंजन की सरकार ने हर चीज डबल कर दी, महंगाई तो डबल करी, हर चीज करप्शन भी डबल कर दी। पोर्टल बना दिया, उसका फायदा हुआ? पोर्टल कोई चलता हो तभी बना दिया, पोर्टल तो धक्के खाते रहो आप। पोर्टल के ऊपर दिखा दी प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल बना दिया, अभी देखिए गरीब आदमी भाग रहा है, मर रहा है, लाख लाख रुपए, दो दो लाख रुपए, पांच पांच लाख रुपए मांग रहे आईडी बनाने के। कहां चलाएगा? जिसने अपनी जायदाद बेचनी है, अपनी लड़की की शादी करनी है, वो अपनी जायदाद नहीं बेच पा रहा। क्या आप इतनी जायदाद बेच नहीं सकते? बेचनी है तो पूरी बेचो, आधी नहीं बेच सकते, सारी नहीं बेच सकते, कहां जाएंगे लोग? अब मेरे मकान की फोटो किसी और की डाल दी, कहता आप कमेटी के तीसरे मंजिल पे जाओ वहाँ ठीक होगी। अब मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, तीसरी मंजिल कैसे चढ़ूंगा? और हमारे वार्ड में वो आए ठीक करने, नहीं कर पाए, वो करेक्शन नहीं हो पा रहा सर। जो अजी ये भी है, तमाम जिस तरीके से बात करें इलाके में, आप महिलाएं क्या एक मांग रहती है सरकार से और क्या चीज आप बेसिक जरूरत? सर फर्स्ट तो है जो प्रोटेक्शन, वो नहीं है। सेकेंडली ये है, जैसे पुलिस वाले जहाँ पे खड़े होते हैं, जैसे मैं जॉब करती हूँ, तो हम रात को आते हैं, ड्रिंक कर रखी होती है लोगों में, तो ये चीज सबसे बुरी है कि हमें उस चीज का सामना करना पड़ता है। और जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे एक ठेका है, हमें रात में भी निकलना होता है, शराब भी घूमते हैं। हमने कितनी बार ये चीज बोली कि इसको बंद करवाओ, बट नहीं होती है। सेकेंडली है पानी की व्यवस्था, पानी की निकासी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जॉब तो है ही नहीं, हम भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे भी जाओ पहले पैसा चढ़ाओ। और फिर तो कह रही कि हर गांव में, हर मोहल्ले में जॉब्स दे दिया, 2 लाख जॉब दे दिया। हमें तो सर मिली नहीं है, हमें तो किसी को नहीं मिली। कागजों में है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 10 साल में हुए सरकार ने किया, मिला है उनको, मिला है जिन्होंने पैसा चढ़ाया। ऐसा मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आए शहर के अंदर जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। नथिंग, निकासी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार इतना नगर निगम के अंदर हद से ज्यादा। पहले तो हम 10 लाख 2 लाख का सुनते होते थे किसी जमाने में, इनके सैकड़ों करोड़ों का हिसाब किताब एंड करो, 1722 करोड़ का घोटाला। और बोलो कार्रवाई नहीं हुई कभी? तो भाई हुई नहीं कोई, ऊपर से लेके नीचे तक सारे चोर बैठे हैं जी, कौन करेगा? बात करो तो जातिवाद, हिंदू मुस्लिम है, मुद्दा ही नहीं है। भाई साहब, जो अगर बात करें, इन्होंने कहा कि सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था किस तरीके की है, निकासी या पीने के पानी की? निकासी नहीं है सर, ना तो पानी का पीने का पानी है, और बरसातों में भाई साहब 5-5 फुट पानी भर जाता है। आप देखो अमर मोहन देखो, हर जगह पानी की समस्या है। 10 मिनट में पानी भर जाता है, कोई निकासी पानी की नहीं है। संजय जाऊँ पे कितना पानी इकट्ठा हो जाता है, कारें तक खत्म हो जाती है वहाँ। क्या सीवर नहीं है या सफाई नहीं है उनकी? सफाई नहीं, निकासी नहीं है। बस स्टैंड है, बस स्टैंड शिवागढ़ी पहुंचा दिया, आम पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है, परेशानी है। हो गया बस स्टैंड शुरू हो जाए तो अच्छी है, यहीं वापस आ जाए। सबसे बड़ा मुद्दा सफाई,
आप हमारे एरिया में जाके देखो नालियां वही भरा हुआ गंदा पानी, अली पार्क में जाके देखो बारिश आ जाए वहां पर पानी की कोई निकासी नहीं, और ना हम नारायण सिंह पार्क एरिया में रहते हैं वहां पर जगह जगह गंदे ढेर और पानी का उठान प्राइवेट कंपनियों को दे रखा था वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सफाई। आप आकर देखो महीना जाता है उनको जेबीएम वालों को एक पैसे की सफाई नहीं है। 45 लाख में पहले होता था सफाई का ठेका, अब जो है 4 गुना 5 गुना ज्यादा करने के बाद भी सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही जी। कूड़ा के ढेर हो रहा जी, इनके जो से खुद के पार्षद है को सिस्टम है वो खुद वहाँ पे शोर मचा के उन्होंने दिखाया जी, ये देखो कितना भ्रष्टाचार हुआ। विधायक यहाँ बीजेपी के थे, ऊपर सरकार बीजेपी की, सेंटर में बीजेपी के बाद भी आप हाल देख लो कॉर्पोरेशन बीजेपी सरकार है, कॉर्पोरेशन सारा बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का और सेंटर में बीजेपी ट्रिपल है, फिर भी नहीं हो रहा काम। लोग कह रहे हैं काम नहीं हो रहे, क्या काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा जी, लोग मारे मारे घूम रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी के लिए, सड़कों के लिए, सफाई के लिए चले जाते हैं, पैसे दे के भी काम नहीं हो रहा। हाँ ना, और लोग भी कहीं मौजूद है। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। पानीपत शहर की बात हम कर रहे थे, कुछ लोग बोले काम ही नहीं हुआ, कुछ कह रहे हैं काम हो गया, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं, आप पानीपत शहर में आए हो, बाकी काम है, हमारी सरकार आने वाली है, जो इन्होंने अधूरे छोड़े हुए होंगे या नहीं किए होंगे हमारी सरकार पूरा करेगी। पोर्टल कह रहे हैं कि पोर्टल, सरकार कह रही है पोर्टल से काफी फायदा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, क्या लगता है? भ्रष्टाचार बड़ा है, काम हुए नहीं है, विकास नहीं हुआ, इतना फंड 1500 करोड़ फंड आया है, जो जितने वार्ड के एमसी होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वार्ड को चमकाना, लेकिन एमसी ने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार बड़ा है, विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब कि नौकरियां नहीं दी गई हैं, नौकरियां नहीं दी गई हैं इस राज्य में, और हमारे राज्य में 6000 पेंशन होगी, सिलेंडर सस्ता होगा 500 का होगा, समस्याओं की बात कर रहे थे, तो क्या कह रहे थे? ये बीजेपी के पार्षद है नागरू जी, हमारे इसी वार्ड के हैं, ये इनके खिलाफ पर्चे लेके और अपना रिजाइन लेके बैठे हुए हैं कि मेरा रिजाइन ले लो, और बीजेपी इस बात के लिए ये भ्रष्टाचार बीजेपी के है, इतना बुरा हाल हो रहा है, ये देखिए आप देखिए सर, डालो इसको भी, इनको हम लाइटों के बारे में कहते थे पूरा माल्टोन में लाइट नहीं है, लाइट्स लगी है, स्ट्रीट लाइट नहीं, मतलब कि खराब हो जाती है, और उनको ऐसे हाथ पकड़ के कहना पड़ता है कि अपना माल्टोन में लाइट वगैरह का नहीं चल रही, करोड़ों रुपए की लाइट्स लगा दी इन्होंने, जलती कौन सी है, जलती तो एक भी नहीं है, हर जगह नए खंबे लगा रहे हैं, मैं सोच बनाऊंगा जी, मेरा ड्रीम है कि मैं यहाँ पे फुटपाथ बना के इस पे लाइट लगा दूं, लाइट तो लगा दी, लाइट के पैसे तो खा गए, लाइट जलाओ तो सही, लाइट जलती नहीं है। अच्छा चर्चा होती थी पानीपत तक मेट्रो भी आ जाएगी, कुछ बनी बात आगे? सर कुछ नहीं पता, आएगी नहीं आएगी तो ख्याबों में है, ये तो खाली ख्याबों में चल रही है, अखबारों में आता है, कुछ नहीं आता, नहीं कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता। अजी भाई साहब जो काम हुए हैं तमाम चीजें उनसे सेटिस्फाइड हो या पानीपत कोई काम हुआ होगा तो सेटिस्फाई होंगे ना जी, काम सिर्फ पर्चों में हुए हैं, कोई दिखावे का काम है, सिर्फ कोई दिखाओ तो सही, सड़कों पे आगे कोई काम हुआ है वो इन दिनों में आगे सड़कें भी दिख रही है, बन रही है, रातों रात सड़कें बन जाती हैं, सुबह पता लगता है लो जी आज नई सड़क बन गई है, रात को निकलते हैं ये तो खड्डे हैं, सुबह पता लगता है लो जी प्लेन हुई पड़ी है, चुनाव के टाइम है बस, दैट्स ऑल, बिल्कुल चुनाव के वक्त ही। और एक सवाल मैं सबसे पूछूंगा पार्टीबाजी से नहीं, एक की एक चीज कोई आप सब एक एक बताने की, जो पानीपत में आप चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो आके ये काम करे, चाहे एजुकेशन से लेके हेल्थ जो भी आपको लगता है। हाँ जी भाई साहब क्या आप चाहते हो जो होना? पानीपत का विकास होना चाहिए, चाहे कोई भी आए, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी का मिला, पर पानीपत का विकास करे, ये नहीं कि अपना घर भरे। यहाँ पे क्या ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है, क्या है मुख्य? यहाँ पे समस्या ही समस्या है, समस्या के अलावा कुछ है ही नहीं है यहाँ पर, पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पे समस्या ही समस्या बड़ी है, ना यहाँ पीने का पानी है स्वच्छ, ना यहाँ नालियां है, ना यहाँ सफाई है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा मुद्दा आप बताओ क्या चीज़? सरकार कोई सी आए लेकिन स्वच्छ होना चाहिए, शहर स्वच्छ होना चाहिए, पानी हाँ पानी साफ आना चाहिए, सब कुछ हो, ट्रैफिक से छुटकारा मिले, जो जाम जुम लगे रहते हैं वो कुछ नहीं। अच्छा मुझे बताइए यहाँ नशे की प्रॉब्लम तो नहीं है बाकी इलाके? सबसे ज्यादा नशा भी यहाँ, या पुल के नीचे जाके देख लो बेचारे गरीब लोग गुरबे कैसे पड़े नशे कर करके, इतना बुरा हाल है, पकड़ता नहीं, क्या पकड़ना जी, क्या ना पकड़ना, बेरोजगारी पड़ी है। आप क्या मांग करोगे सरकार जो आएगी इससे क्या होना चाहिए? जो सरकार आए अच्छे काम करे बस, अच्छे काम करे। अजी भाई साहब आप क्या मांग करोगे? एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, अनपढ़ता की तरफ लोग जाते जा रहे हैं, एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम कैसा है यहाँ? एजुकेशन बस बिल्डिंगे बन रही है जी, बट अभी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, सब कुछ आगे काम नहीं हो रहा है उसमें, हाँ सब प्राइवेट हो रहा है। ठेके पे दे दो। मैं पानीपत के जो भी विधायक बने हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट करें, पानी की निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पानीपत का, पानी की निकासी। हर एरिया में पानी ऐसे बारिश वो कहते हैं ना, छोटा सा एक कुत्ता भी मुद्दे था यहाँ पे पानी भर जाता है। पानी की निकासी का कहीं पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारा, की लाइन डले खुले बिल्कुल बिल्कुल। हम जो भी विधायक बने इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बता रहा था एक जना, कहता मेरी तो कार ही डूब गई, इंजन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा पानी के विकास, करप्शन, करप्शन को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आम आदमी मर जाएगा, मिडिल क्लास आदमी तो मर जाएगा। अपर लेवल से है या लोअर लेवल पर हो रहा है? हमें तो लोकल डील करना पड़ता है, अपर तो हमारा कोई काम है नहीं, लोकल करप्शन इतनी है कि पूछिए नहीं। वो तो सब बना था, एक सीएम विंडो भी बनी थी आपको जो वाला शिकायत। कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। अभी आप क्या मांग करोगे सर? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आपको भी लग रहा है लोकल लेवल पर हो रहा है? बहुत भ्रष्टाचार है जी, एक एक्सट्रीम हो गया, एक लिमिट हो गई है। एक्चुअली यह पानीपत हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पे हर फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि देखो पानीपत की तीन लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गई, इसलिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। अगर यहाँ कोई विधायक माने पेरिस बना दे तो हम उस मान जाएंगे उस सरकार को, पेरिस अच्छा बना दे जो भी है। भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए पानीपत, भ्रष्टाचार में मुद्दा ज्यादा है। बिल्कुल, तमाम लोगों से बात की हमने, चाहे पानी के सीवर की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या और स्ट्रीट लाइट्स, ये समस्या यहाँ पर ज्यादा निकल कर आई। कूड़े की समस्या भी लोग कह रहे हैं, पर इधर सरकार लगा रहे हैं कि जो भी सरकार आए विकास कराए पानीपत का, क्योंकि पानीपत ऐतिहासिक शहर है, पानीपत की लड़ाइयाँ इतिहास में पढ़ाई जाती हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, और आज भी ये इलाका अपने आप में हरियाणा के बीच में एक दमखम रखता है। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जो कार्य हुए नहीं है वो होने चाहिए, अब देखना होगा जनता किसके सर जीत का सहरा लगाती है। फिलहाल पानीपत से मेरे कैमरामैन आदित्य के साथ मुझे नितिन को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए MH1 न्यूज़।